ये चोर चोर मौसेरे भाई, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सपा, ये सब जो इंडी गठबंधन बनाए हुए हैं, आप देख लीजिए, सब पर ईडी का मुकदमा दर्ज है और ईडी ने लाखों करोड़ों का घोटाला इनके ऊपर दर्ज किया गया है। आज इनके आधे आधे से ज्यादा इनके नेता, इंडी गठबंधन के नेता जमानत पर हैं या तो जेल में हैं। मैं क्या पूछना चाहता हूँ कि अभी जो है उन्होंने जितना काम करवाया है वो जो है भारत सरकार की कुछ नीतियाँ हैं आपने लगवाई हैं, ठीक है, अच्छी बातें हैं, लेकिन जो है मैं बताना चाहता हूँ उनके उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, उन्होंने पर्सनली क्या काम किया, अपनी मंत्रिमंडल से अपने सांसद निधि से क्या खर्च किए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं विपक्ष का आदमी अगर हूँ, अगर वो नितिन गडकरी को अपना प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाए तो मैं कहता हूँ 50% अपने आप यूथ अपने आप नितिन गडकरी जी का नाम सुनते ही उनके हाथ पे बटन दबा देंगे। परिवारवाद की भाषा, जो काबिल है वो आगे बढ़ेगा, ये जरूरी नहीं कि परिवार में है काबिल है तो परिवार का इसलिए वो आगे नहीं बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। चुनाव के समय जैसे ही नजदीक आ रहा है वैसे ही जनता के बीच में लगातार चर्चा है कि आखिर किसका पलड़ा भारी है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी से यहाँ रमेश चंद बिंद मैदान में है, तीसरी बार सांसद बनने के लिए अनुप्रिया पटेल मेहनत कर रही हैं। हमारे साथ बरगछा कला गांव में कुछ लोग हैं, बातचीत करके जानेंगे कि विकास कितना हुआ है पिछले 10 सालों में और इस बार चुनाव में क्या मुद्दा बनने जा रहा है। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, नवभारत टाइम्स का मैं धन्यवाद करता हूं, मैं अभिषेक तिवारी। देखिए 2012 का वो वक्त भी हमें याद है, जैसा कि आपने देखा होगा 2012 में जब हम सड़कों पे चढ़ते थे तो सड़कें नदियों का रूप ले लेती थी, जगह जगह गड्ढे ऐसे होते थे कि उसमें हमने कितनी एक्सीडेंटों और कितनी मौतों को होते देखा है, वो दौर भी था। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, वैसे ही आप आज रोडों की स्थिति देख लीजिए, आप पूरे भारतवर्ष में घूम लीजिए, आज रोड में एक भी आप एक सूत का गड्ढा नहीं बता सकते, इतनी स्मूथ सड़कें हो गई हैं, रोजगार लोगों को मिल रहा है, महंगाई कंट्रोल में है, नए नए निवेश आ रहे हैं भारतवर्ष में, साथ ही आज भारत की साख विश्व में इस तरह है कि आज भारत के जो प्रधानमंत्री का से अपॉइंटमेंट पूछा जाता है कि सर हमारे देश में आप कब आएंगे, आप सोचिए कि हमारा देश चाहे प्रवासी भारतीयों को पे पड़े संकट को लेकर हो, 24 घंटे के अंदर एयरलिफ्ट किया गया सब लोगों को और कई देशों में फंसे हमारे भारतवासियों को सुरक्षित भारत देश वापस लाया गया। अब हमें लगता है कि इससे सशक्त, इससे शानदार और इससे बढ़िया विकासशील सरकार हमें नहीं मिल सकती। हमने 2012 के पहले का भी दौर देखा है, हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद का भी दौर हम देख रहे हैं और जनता स्वयं देख रही है और जनता खुद ही निर्णय ले रही है और जनता अपना निर्णय ईवीएम के बटन पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर ही बताएगी और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाने जा रही है। तो अपना दल ऐसा है, आप तो भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं, खैर कोई बात नहीं, हमारे साथ और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अनुराग चौबे है। अरे भैया बता रहे हैं। नहीं नहीं, जो रोजगार, नहीं नहीं, विश्व नाम में रोसर इनको मैं बहुत ही आप लोग बहुत ही तार्किक एक चीज समझाता हूँ। भारत की आबादी है, मतलब आप दुनिया में 7 में से अगर 7 आदमी को खड़ा करें तो उनमें से एक आदमी भारत का होगा, मतलब कि दुनिया में भारत की आबादी है 150 करोड़ के आसपास इस समय है, दुनिया का 1/7 हिस्सा। तो आप ऐसा समझिए कि इतना बड़ा मार्केट है ये, कि ये इतने देशों में जो भारत की समझिए मोदी का वहाँ पे जो है आपका महिमा मंडन नहीं होता है, ये भारत का पॉपुलेशन इतना अहम रोल करता है कि चाइना भी यहाँ मार्केट खोजता है, रशिया भी खोजता है और अमेरिका भी खोजता है, यूरोप भी खोजता है, सब सामान बनाते हैं, हम सामान नहीं बनाते, हम सामान खरीदते हैं। तो मोदी जी को इसलिए बुला रहा है, मोदी जी हमारी सामान जो है आप ले जाके बेच दीजिए, हमको प्रॉफिट हो, तो इसमें बहुत महिमा मंडन करने की बात नहीं है। और रही बात जो है रोजगार की बात, तो मैं आपको बता दूँ हमारा क्षेत्र मिर्जापुर है, यहाँ से सांसद प्रत्याशी माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि वो 10 साल से वो कैबिनेट मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं और इस समय वो मौजूदा समय में जो है वो लघु उद्योग मंत्री और जो है ये वो हैं।
तो उनके हाथ में अगर उद्योग लगाने का अगर जिम्मा दिया गया है तो मैं पूछना चाहूंगा कि अगर मिर्जापुर का कोई एक व्यक्ति बोल दे कि उन्होंने कोई एक छोटी सी फैक्ट्री जिसमें 500 आदमी भी काम करते हो लगवाया हो इतने सालों में, तो मैं उनको वोट देने के लिए तैयार हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी जो है उन्होंने जितना काम करवाया है वो जो है भारत सरकार की कुछ नीतियाँ हैं आपने लगवाई हैं, ठीक है अच्छी बातें हैं, लेकिन जो है मैं बताना चाहता हूँ उनके उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, उन्होंने पर्सनली क्या काम किया, अपनी मंत्रिमंडल से अपने सांसद निधि से क्या खर्च किए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर एक व्यक्ति को उन्होंने रोजगार दिया मंत्री होते हुए भी, मैं आपको केंद्र सरकार की मंत्री कैबिनेट मंत्री की बात कर रहा हूँ, वो राज्य मंत्री और कोई छोटे तबके की मंत्री नहीं है, वो कैबिनेट कैबिनेट का अहदा उनको प्राप्त है, मोदी कैबिनेट में सम्मिलित होती हैं। ये बताया जाए कि उन्होंने पूरे देश की बात छोड़िए, वो पूरे देश की मंत्री है, उन्होंने मिर्जापुर में अगर एक आदमी को रोजगार दिया हुआ तब वो जाके देश की बात करेंगे। मैं अनुप्रिया पटेल को यहाँ से कैसे चुन के भेजूं एक यूथ आइकन होने के नाते? बताइए, ये भैया के बड़े गंभीर सवाल हैं, रोजगार फैक्ट्री कुछ लगा नहीं, उद्योग मंत्री हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं इनको बताना चाहता हूँ कि पहले इनको जानकारी नहीं होगी, माननीय सांसद अनुप्रिया पटेल जी भारी उद्योग मिनिस्टर हैं और इन्होंने 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 जो फैक्ट्री लगाने की बात कही है, इनको नारायणपुर में इतने इंडियन ऑयल के बन रहे इतने बड़े टर्मिनल जिससे यहाँ के पूर्वांचल के कई जिलों में तेलों की तेल की सप्लाई होगी, उसमें कम से कम लाख 1 लाख से ज़्यादा नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ये नारायणपुर में जाकर देखें, अपनी आंखों से देखें तब भरोसा करें। ये जिन रोडों पर जो हाईवे नेशनल हाईवे 7 नेशनल हाईवे 35 उसको भी बोला जाता है, नेशनल हाईवे 35 जो बाईपास बनाया गया है ये श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी की ही देन है। और ये जो हमारे सांसद निधि से जो भी काम जो है किए जाते हैं, जो जरूरी काम है, पानी हो, किसानों की समस्याएं हो, बिजली की व्यवस्था हो, उन्होंने अपने सांसद कोटे से ऐसे अनेक काम किए हैं। मेरे भाई साहब मेरे अनुज को ये शायद जानकारी नहीं है, वो अपनी जानकारी बढ़ा लें कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज से पहले जो भी यहाँ सांसद रहा है वो केवल आए हैं और गए हैं, आज तक मैंने उन्हें संसद में बोलते भी नहीं देखा है, केवल इंट्रोडक्शन में उनको बोलते देखा है। और हमारी माननीय सांसद जब बोलती हैं संसद में तो सुनने वाले विपक्ष के लोग भी साइलेंट होकर उनकी बातों को गौर से सुनते हैं, ये महानता है हमारी माननीय सांसद में। एजुकेटेड माननीय हमारी सांसद जी एजुकेटेड हैं और इनको ये नहीं पता है कि आज तक इनके जितने भी सांसद रहे हैं अन्य पार्टियों के, उन्होंने संसद में कभी भी किसी मुद्दे को नहीं न उठाया है और न तो उसको करवा पाने में उन्होंने सफलता पाई है। बड़े गंभीर सवाल है, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ भैया हैं, क्या नाम है आपका? मेरा दीपक तिवारी। क्या लग रहा है, क्या माहौल है मिर्जापुर में? बड़ी चर्चा है, माहौल है, बीजेपी यहाँ से जीत रही है, अच्छे मार्जिन से जीत रही है। क्या वजह है, पिछले 10 सालों का कैसा काम रहा है? पिछले 10 साल मोदी जी का जो काम रहा है वो पूरी जनता देख रही है और जितना काम है उसके हिसाब से इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार बड़े क्लियर मेजोरिटी से जाएगी। मिर्जापुर में क्या माहौल है? मिर्जापुर में अपना दल और भाजपा का गठबंधन जो है वो भारी बहुमत से जीत रहा है और माननीय सांसद जो है हमारी 10 साल जनप्रिया पटेल, उन्होंने जो काम किया है रेलवे के लिए, हाईवेज के लिए जो काम किया है, केंद्रीय विद्यालय के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए जो उन्होंने मेहनत किया है और वो मेहनत उनका दिख रहा है मैदान में, जिससे लोग उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और उन्हें अच्छे खासे मार्जिन से वो जिताएंगे। भाई साहब जो है कह रहे हैं बढ़िया माहौल है, आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका, क्या माहौल? मेरा नाम गगन है, गगन उपाध्याय। और अभी बड़े भाई साहब शुरू में इन्होंने बोला कि रोड के लेके कि रोड आज पूरे भारत में शानदार रोड है, पूरे भारत में कहीं भी जाइए, चाहे वो गांव की रोड हो, गली की रोड हो, कोई भी रोड हो शानदार है। आप हमारे साथ चलिए, कई ऐसे रोड दिखाएंगे गांव में कि आज तक अभी तक गड्ढा युक्त ही है, गड्ढा मुक्त हुआ ही नहीं। यही की बात कर रहे हैं, मिर्जापुर की ही बात कर रहे हैं, रोड की जहां तक शहर मिर्जापुर शहर में आप एंट्री कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि मुझे लगता है कि मैं 50 साल पहले जो है काल में हूं, जहां पे अलकतरा भी नहीं मिल रहा है कि रोडों को पाटा जाए और गड्ढा अगर खोद दिया गया 4 साल से
तो वहाँ पे आप जा नहीं सकते। और सुनिए और रोड की बात जो कर रहे हैं, मैं रोड आपके पीछे ही है, मैं दिखाना चाहूंगा ये रोड। अगर आप 2014 में किसी आदमी के पास आप जाके पूछेंगे सिंगल, ये अभी तक ये आपका, इसलिए मैं बताना चाहूंगा ये ऑलरेडी ये जा चुका है। एक्सीडेंट की बात है भैया, मैं बताना चाहता हूँ पिछले साल भर में दर्जनों एक्सीडेंट हो चुके हैं। चाहता हूँ कि पहले शिवपाल सिंह यादव जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुआ करते थे और यही स्टेट हाईवे नंबर 5 हम यहाँ से स्नान करके 9 बजे आपने कहा पूरे भारत नहीं भैया जी, शायद ही नितिन गडकरी जी का कोई विरोधी हो पूरे भारत वर्ष में, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, उनके विरोधी विपक्ष में नहीं है। मजे की बात है कि उनके विरोधी उनके पार्टी के हैं, उनको कार्यकारी सदस्यता से हटाया गया। पीएम मोदी के बाद उनको प्रमोट करना था कि भाई प्रधानमंत्री पद के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कि मैं विपक्ष का आदमी अगर हूं, अगर वो नितिन गडकरी को अपना प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाए तो मैं कहता हूं 50% अपने आप यूथ अपने आप नितिन गडकरी जी का नाम सुनते ही उनके हाथ में बटन दबा देंगे। जनता पार्टी ये करियारी है, भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मैटर है, वहाँ पे क्या होता है वो उनकी जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी वो किसको प्रमोट करना चाहता है। मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की, परिवार विशेष की पार्टी नहीं है। ये तय करना पार्टी के संगठन का कार्य है, ये सामूहिक कार्य है कि कौन प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होगा। अभी देश मोदी की तरफ देख रहा है, जनता जनार्दन प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहती है और ये किसी परिवार का उब नहीं है। जैसे समाजवादी पार्टी में 7 सांसद हो गए तो वो 7 एक ही परिवार के, कांग्रेस में राहुल गांधी जी। मैं बताता हूँ सबसे पहले परिवारवाद की बात मैं यही शुरू करता हूँ। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल जी, माननीय अनुप्रिया पटेल जी सांसद है, मंत्री है भारत सरकार, उनके पति देव एनएलसी, उसके बाद के मंत्री राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में। दूसरी बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी अभी जो है बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटा है तो उनके पुत्र सुपुत्र को मिला है, उनके बड़े पुत्र भी हैं, सांसद है, विधायक है मेरे हिसाब से जो है। उसके बाद जो है पंकज सिंह आपके जो है राजनाथ सिंह के लड़के, तो कहने का मतलब अमित शाह जी के कोई अर्जित नहीं किया है, मुख्यमंत्री थे तो डायरेक्ट उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। अमित शाह जी के लड़के राजनीति से बहुत दूर है, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। परिवारवाद की भाषा, जो काबिल है वो आगे बढ़ेगा, ये जरूरी नहीं कि परिवार में है काबिल है तो परिवार का इसलिए आगे नहीं बढ़ेगा। ये परिवारवाद उसके कहते हैं कि जहाँ पे आदमी काबिल न हो लेकिन परिवार का होने के नाते उसको आगे बढ़ा दिया गया। अखिलेश यादव के परिवार में कोई, अखिलेश यादव जमीनी नेता नहीं है, अखिलेश यादव कोई प्रधानमंत्री बना, पंकज सिंह जमीनी नेता है, पंकज सिंह जमीनी नेता है। 35 साल के बाद नहीं, चुनाव तो भैया अखिलेश यादव भी जीतते हैं, चुनाव तो धर्मेंद्र यादव भी जीत लेते हैं, चुनाव तो रामगोपाल यादव भी जीत लेते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बना दिए जाते, मुख्यमंत्री नहीं बना दिए जाते। आपको गलत फहमी नहीं है। 2012 में सपा ने मुलायम सिंह यादव के चेहरे पे चुनाव लड़ा लेकिन जीतने के बाद अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और परिवारवाद की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव शिवपाल जो है भाजपा ने टिकट दिया है, मोदी जी उनका प्रचार में किया। मैं मिर्जापुर का हूँ, अभी यही स्टेज को मैं आपको बताऊँ, स्टेज में कुछ ऐसे लोग खड़े थे जिनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे कायम थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हुए हैं और नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचवा है। और कल को जब उनका अपराध सामने आएगा, यही मोदी जी की फोटो लगेगी जैसे रेवन्ना रेड्डी की लगी, 500 महिलाओं के साथ बलात्कार किया और मोदी जी उनके लिए वोट मांग रहे हैं। वो बीजेपी का नहीं, आपको पता है वो बीजेपी का नहीं है। मोदी जी क्यों वोट मांगने गए थे उनके पास, चाहे और यहाँ पे बताइए बीजेपी का कौन सा व्यक्ति यहाँ पे खड़ा था, क्यों? मैं बताना चाहता हूँ, चाहे इंडी गठबंधन हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो, इनको 4 जून को प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार केंद्र में बनने जा रही है। सारी बातों का जवाब जनता देगी, आप स्वयं उसके साक्षी बनेंगे। इस बार सारी बातों का जवाब यूथ देगा, अग्निवीर देगा। हम आपको और आपके आएंगे 4 जून को, आप पेपर ले। आपने अभी रोजगार के लेके भैया ने बोला कि वहाँ इंडियन ऑयल का वो हब बन रहा है और डालमिया में वहाँ क्या बोलते हैं उसको ड्रामलगंज में डालमिया का सीमेंट का फैक्ट्री बन रहा है, रोजगार मिलेगा, कब तक मिलेगा, कहाँ मिलेगा, आप बताइए। बताइए
यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, माननीय सांसद जी के आने के बाद यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है, जिसमें कम से कम जो है सैकड़ों हजारों लोगों को रोजगार मिला है। आप जाके देख सकते हैं सुंदरपुर में, हमारे निगाह में तो ऐसा सब कुछ ठप पड़ा है, सारे मशीनें ठप पड़े हैं, जो पीएम केयर से फंड जो है, जो वेंटिलेटर और वो बेड आए थे उनकी भी स्थिति आप जाके देख लीजिए। आपके यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ भी देख लीजिए क्या स्थिति, आप भी देख सकते हैं। कागज पे नौकरी मिली है, कागज पे फैक्ट्री खुली है, कागज पे कंपनी खुली है। देखिए क्या नाम है जी, मेरा नाम क्या लग रहा है, मेरा नाम अनुराग दुबे है और मैं ग्राम बरकछा का रहने वाला हूं। और अभी भैया लोग ने जैसे भी टिप्पणी की है, देखिए विकास तो हुआ है लेकिन दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? इसलिए नहीं दिखेगा कि ये सब देखिए अखिलेश के भक्त हैं। भक्त क्यों हैं? ये देखिए भैया जी हैं ना इनके। रही विकास की बात तो आप अंगुलियां गिनती कर सकते हैं कि कैसे विकास हुआ है। विकास कैसे हुआ मैं बताता हूँ। विकास कैसे हुआ कि देखिए जो किसान है उनकी ज़मीन है, उनके अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपया आता है, मेरे घर खुद सबको आता है। चलिए उसके बाद रही स्वास्थ्य की बात, राशन की बात, हाँ बता रहे हैं। और रही राशन, राशन देखिए महीने में 2 बार मिलता है, वो भी निःशुल्क मिलता है, पहले ऐसे नहीं होता था। रही सड़क की बात, सड़क हर जगह, ऐसा कोई गली मोहल्ला नहीं जहाँ सड़क का निर्माण ना हुआ हो। हाँ वो अलग चीज़ है कि जो नीचे के मतलब कि नीचे लोग के जो लोग हैं, क्योंकि देखिए हर कार भाई वो तो फंड दे ही रहे हैं, नीचे के जो नेते होते हैं करते क्या है कि सड़क बनवा देते हैं, पता चला उसमें नाली का काम छोड़ दिए, तो देखिए भाई देखिए जाहिर सी बात है वो तो बिगड़ेगा ही। करवाना किसका काम? गंगा शिविर का काम चल रहा है। बिल्कुल 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 ठीक है, आपकी बात सही है। और उसके बाद रही भाई देखिए बिंद कॉरिडोर अभी बना है, जानते होंगे आप लोग, काशी विश्वनाथ जोर हुआ है। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके पहले नेता थे उसने क्यों नहीं किया। अगर बिल्ड कॉरिडोर से आपको प्रॉब्लम है तो सफाई में जो हजारों करोड़ रुपए खर्च होते थे उसके बारे में आप, मुझे बिंद कॉरिडोर नहीं भैया, मुझे बिंद कॉरिडोर से प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सवाल के घेरे में डाल सफाई महोत्सव के बारे में, मैं चाहता हूँ इसी तरह स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से मुझे सफाई महोत्सव के बारे में बताएं, उससे क्या लाभ होता था और वो क्यों कराया जाता था, उसका क्या क्या सामाजिक फायदा होता था, क्या राजनीतिक फायदा होता था, वो किस लिए होता था? पहली बात मैं इसका फायदा होता था, मुझे सफाई महोत्सव के बारे में जवाब चाहिए। मैं पहले क्वेश्चन का इनके जवाब दे दूं कि बिंद कॉरिडोर से मुझे समस्या, मुझे समस्या बिंद कॉरिडोर से नहीं है, मुझे समस्या इस बात से कि माता विंध्यवासिनी के नाम पे इन्होंने जो हजारों करोड़ रुपए का गमन किया है, मुझे समस्या उसकी है। आप आज विंध्य कॉरिडोर की हालत देख लें तो आपको शर्म आ जाएगी कि इतनी हजारों करोड़ रुपए कहां से जो है कहां इन्वेस्ट हुए हैं। मतलब वो जो काम जो है 100 रुपए का होना था उसका 10 रुपए का काम है। और रही बात दूसरी कि भाई सैफई माननीय मुलायम सिंह जी जो है अपना जन्मदिन मनाते थे तो अपने से मनाते थे, ऐसा कोई बात नहीं, वहाँ लोग आते थे वो फंड से जाता था, पार्टी, ये बच्चा बच्चा जाता है, पार्टी वो उनके घर से नहीं आता था। नहीं 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 तो पीएम केयर फंड का भी आरटीआई मिलना चाहिए, आरटीआई आप डालिए। अभी अभी कोविड अभी अभी कोविड का जो है जो टीका लगवाया है हमने जो है अभी जो है उसका पता चला भैया की जो है साइड इफेक्ट होगा, तो पीएम मोदी की फोटो ही गायब हो गई। मतलब ये कौन सी तरीके उसके लिए इसका जवाब मैं देता हूँ, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। इसको पीएम केयर फंड, इसको स्वास्थ्य मंत्रालय ने और इलेक्शन कमीशन दोनों ने बताया है कि कोड ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद ही मोदी जी का फोटो वहाँ हटाया गया है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होते ही वो फोटो स्पष्ट रूप से वहाँ पे फिर आ जाए। ये पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ खर्चा हुआ ये भैया? पीएम केयर फंड का भाई अब वो तो मंत्रालय देखेगा, अगर आपको उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप आरटीआई दाखिल करिए, सूचना का अधिकार है। सरकार ने बोला है ये आरटीआई नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट संस्थान में जाता है, अगर ये प्राइवेट संस्थान में गया है तो उसमें पीएम केयर नाम क्यों दिया गया, प्रधानमंत्री का नाम इसमें क्यों जोड़ा गया, देश को गुमराह करके हजारों करोड़ रुपया गबन करके और पार्टी फंड में डाल दिया गया, जैसे ही बीफ वालों से पैसा लेकर के बीफ वाले कंपनियों को फायदा पहुंचा करके और हम लोग को बेवकूफ बनाते हैं, केवल इतना ही काम है। ये कह रहे हैं बीफ कंपनी चंदा ले रहे हैं जो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चोर चोर मौसेरे भाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सपा ये सब जो इंडी गठबंधन बनाए हुए हैं, आप देख लीजिए सब पर ईडी का मुकदमा दर्ज है और ईडी ने लाखों करोड़ों का घोटाला इनके ऊपर दर्ज किया गया है। आज
इनके आधे से ज्यादा इनके नेता, इंडी गठबंधन के नेता जमानत पर हैं या तो जेल में हैं, और जल्द ही ये परमानेंटली जेल में होंगे। इस तरह के घोटालेबाजों का ये समूह है और ये दूसरे से जो है हिसाब किताब मांग रहे हैं अपने घोटालों को छुपाने के। भाई हमारे साथ, क्या नाम है भाई आपका? धीरज मौर्य। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? हमको तो लग रहा है कि जैसे अब भाई मोदी जो भी कहें, पहले दो ज्यादा समय तो है नहीं और कांग्रेस तो 45 साल था, अब 45 साल में क्या किया और ये 10 साल में क्या किए, बस रही बात ये है कि रोजगार नहीं है। हो सकता है ये भी पारी आ जाए, आ जाए तो रोजगार भी शुरू हो जाएगा, रोजगार भी है। हम तो अपना मैकेनिक काम करते हैं गैरेज का, और रोजगार है ना? हाँ रोजगार है, लेकिन हमारा बात नहीं, हम और लोग को बात कर रहे हैं ना। तो वो लोगों को जो बोल रहे हैं कि नहीं रोजगार नहीं, रोजगार रोजगार है और महंगाई भी ज्यादा नहीं है। पहले क्या था, 5 रुपया का खर्च था तो 10 रुपया कमाते थे, अब वही 20 रुपया का खर्च हो गया, 200 रुपया कमा रहे हैं। या मंगलयान भारत, अगर जो है भारत की साइंसिस्ट मेहनत करके अगर मंगलयान चंद्रमा भेज देते हैं तो हम मोदी जी का झंडा गाड़ देंगे कि मोदी जी ने भेजवा दिया। और जिस इसरो की इसरो के साइंटिस्ट ने उसको बना, जिस इसरो के वैज्ञानिकों ने मंगलयान का निर्माण किया है, वो भी कांग्रेस सरकार ने ही बनाया है, उस इसरो का गठन भी उन्होंने ही किया था। आपके IITM से जो बच्चे निकल के वहाँ पढ़ रहे हैं, जो है वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, वो भी इसरो में जो नौकरी कर रहे हैं, वो भी जो है कांग्रेस ने किया था। जिस एम्स में जो है अभी अमित शाह भर्ती हुए थे दिल्ली में, जब उनको उनकी तबीयत खराब हुई थी, वो भी कांग्रेस ने ही बनवाया है। तो कहने का ये मतलब है इंडियन रेलवे जो है विकास कांग्रेस ने किया था। 70 सालों में जितना एम्स नहीं था, मोदी जी ने 10 सालों में उसका दुगना एम्स दिया है। ये बताना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के अंधभक्तों को, मैं ये बताना चाहता हूँ इंडी गठबंधन के अंधभक्तों को, मैं ये बताना चाहता हूँ कि भक्तों जो उनकी पैरवी कर रहे हैं, जो भी, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर यहीं इसरो में यहीं साइंटिस्ट, यहीं IITian और यहीं IIM और यहीं इंजीनियर्स आज तक 70 सालों में चंद्रमा पे चंद्रयान को सफल लैंडिंग क्यों नहीं करा पाए, हमारे साइंटिस्टों का अपमान कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने मंगलयान से भी पहले कितने यान और सैटेलाइट भेजा हुआ है। कोई काम करने के लिए इच्छा शक्ति होना चाहिए, फंड होना चाहिए। किसी सरकार में इतनी इच्छा शक्ति नहीं थी कि इस काम को आगे बढ़ा जाए। मोदी जी ने इसको प्राथमिकता से लिया और पूरी इच्छा शक्ति के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाया। जैसे इंजीनियरों को किसी प्रकार का तो हानि नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को पैसा देना चाहिए ना, उन लोगों को सरकार में कोई देना चाहिए ना, तब तक कोई कार्य नहीं मिल रहा था। अब आखिर ये मोदी आए और उन लोगों को पैसा भी प्रोवाइड किए और उत्साह भी बढ़ाए, पीट भी ठोके, आप लोग पीछे मत हो, हम है पीछे। हाँ कैमरा लेकर ये काम बंद कमरे में भी किया जा सकता। नहीं नहीं, कैमरा को कैमरा चाहिए होता है, कैमरा के सामने आपको भाई शाबाशी देंगे। यही जो है पहलवान नीरज पहलवान, जो जितने भी फोकाट बहने हैं और इनके जो है, आपको चाहे साक्षी मलिक हो गई, चाहे जो है बजरंग पुनिया हो गए, आप उठा के देख लीजिए, जब ओलंपिक से वो लोग वापस आए हुए थे तो उनकी पीठ थपथपा के कैमरे के सामने बोला था कि परिवार के साथ आना, मैं डिनर करूंगा। और वही पहलवान ने जब बोला कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, मोदी जी ने एक बाइट, एक भाषण, एक मिनट भी उनको समय नहीं दिया कि हाँ, वो बेचारे जो है उनके जाके उनके जो है बंगले के बाहर खड़े रहे, दम तोड़ दिए वहां पे, उनका व्रत टूट गया, उनकी जो है सारी निष्ठा खत्म हो गई मोदी जी से। आप उनसे जाके पूछिए, पहलवानों ने कार्यक्रम एक तरह से सुनिश्चित और कांग्रेस के जो नेता है उनके बाद रचा गया प्रयंत्र है, उसका पर्दाफाश बहुत जल्दी होगा। माननीय कोर्ट की निगरानी में उसकी जांच हो रही है। अभी कोर्ट ने आदेश कर दिया है, कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि आप इनके ऊपर मुकदमा चलेगा, इनका जो है दोष साबित हो गया। आपको पता नहीं है, जाके दिल्ली सेशन कोर्ट में पता कर लीजिए। बृजभूषण शरण सिंह जो भी साबित हो, जल्द ही जेल जाने वाले हैं, उस पे ट्रायल चल रहा भाई साहब, आप पता कर लीजिए, इनको समझाइए। चर्चा होगी तो चर्चा होते होते शाम हो जाएगी और बातें खत्म नहीं होगी। मामला रोजगार और महंगाई से शुरू हुआ, अंत में पहुंच गया बृजभूषण शरण सिंह और जो है विदेश तक। हालांकि निष्कर्ष यही निकला कि मिर्जापुर जिले में लड़ाई दिलचस्प है, कौन पार्टी जीतेगा कौन पार्टी हारेगा ये 4 जून को परिणाम आने के बाद साफ होगा। कैमरा पर्सन प्रमोद तिवारी के साथ मिर्जापुर से मुकेश पांडे की रिपोर्ट।